नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। मैं पीयूष लेकर आया हूँ एक और फ्रेश वीडियो, जहाँ आज हम बात करेंगे आपके ही क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि हमने लास्ट कुछ वीडियो में तो डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि जो एलएचबी कोच होते हैं उसमें एंड टू एंड आपको ईओजी देखने को मिलते हैं, और रेलवे प्लान कर रहा है इनको जल्दी हटा देगा, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा सीट देखने को मिल जाएंगी। तो आपका कमेंट आया कि भाई ईओजी कोच तो हटाए जा रहे हैं लेकिन एक फिर भी रहता है, तो दोनों को क्यों नहीं हटाया जा रहा, दोनों को अगर हटा दिया जाए तो आपको ज़्यादा सीट देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि एक हटता है तो एक के सीटें, मतलब एक कोच के लायक जो सीट है वो बढ़ती है, जो कि कुछ लिमिटेड क्वांटिटी की होती हैं। अगर दोनों हट जाएँ तो ज़्यादा सीट हमें देखने को मिलेगी, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आप जानते हैं जो ईओजी कोच लगे होते हैं वो लगाए जाते हैं जिससे कि जो आपकी पूरी ट्रेन है उसमें जो पावर सप्लाई है वो दी जा सके। अब जो नई टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन रेलवेज ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, और वो है एचओजी, यानी कि हेड ऑन जनरेशन। अभी जो हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी है, इसके चलते जो हमारे WAP-5 लोकोमोटिव है और WAP-7 लोकोमोटिव है, वो OHE वायर से ही जो सप्लाई है वो ले लेते हैं, बाद में सारे कोचों में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि आपके कोच के अंदर जो भी पंखा चलता है या AC चलती है, जो भी लाइट चलती है, वो सब चल पाती है डायरेक्ट लोको के ही थ्रू। लेकिन अगर बाई चांस जो OHE वायर है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कुछ भी ऐसी परेशानी आ जाती है कि जो HOG टेक्नोलॉजी है वो वर्क ना करे, तो उस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि जो पूरी ट्रेन है उसमें जो पावर सप्लाई है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ना ही कोई पंखा चल पाएगा, ना लाइट चलेगी, ना ही कोई AC चल पाएगी, जिसके चलते सभी के सभी जो यात्री हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसके चलते एज अ बैकअप, हम इसे एज अ बैकअप मान सकते हैं, एक जो ईओजी कोच है जिसको एंड ऑन जनरेशन बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अंत में होते हैं तो इन्हें ऐसा ही नाम दिया गया है। तो इनको लगाया जाता है जिससे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसको चलाया जा सके और पूरी ट्रेन में सप्लाई की जा सके, और ट्रेन को जहाँ पर भी उसका मेंटेनेंस होता है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, बाद में कोच को मेंटेन किया जा सके, या फिर जो भी परेशानियाँ आई थी उसको ठीक किया जा सके और ट्रेन को फिर से चलाया जा सके। तो एज अ बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको रेलवे हमेशा रखेगा। बस एक ही जो ईओजी कोच है वो हटेगा और उसके बदले लगेगा एक कोच, जिसके चलते आपको जो फायदा वो मिलेगा। और ये सब कब होगा, जब पूरी ही तरीके से हमारा इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। हालांकि जो ट्रेनें अभी पूरे एंड टू एंड इलेक्ट्रिफाइड रूट पर चलती है उनमें हमें HOG टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो कोच है वो नहीं लग रहा है। अभी भी हमें दो ईओजी कोच देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ एकदम ऐसा हो जाएगा परफेक्ट वाला, क्योंकि अभी रेलवे भी एक किस्म से मान सकते हैं टेस्टिंग में ही है, तो जिस दिन ये सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा उस दिन आपको एक ईओजी कोच एज अ बैकअप देखने को मिला करेगा, जो चलेगा नहीं, जब जरूरत होगी तभी उसको रेलवे चलाया करेगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।